याद किसी अपने को खोने के गम को कम करने का एकमात्र रास्ता, वो रास्ता जो तन्हाई मिटाने के बाद आगे बढ़ने का ऐसा हौसला देता है जिसका दामन थामकर कोई माझी का रूप लेकर पर्वत तोड़ डालता है तो कोई ताजमहल जैसे खूबसूरत अजूबे की नींव रखता है। एक ऐसे ही जज्बातों से भरी याद की देन है भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी वॉशिंग पाउडर कंपनियों में से एक निरमा। वो निरमा जिसने आम आदमी की जेब पर असर डाले बिना कपड़ों को दूध की तरह साफ किया। वो निरमा जिसका जंगल आज भी शरीर में सिहरन पैदा कर देता है। वो निरमा जिसका भारतीय मार्केट में स्थान वैसा ही है जैसा आकाश में ध्रुव तारे का। तो चलिए नारा टीवी की खास श्रृंखला बिस्टॉक्स के आज के इस एपिसोड में निरमा के अद्वितीय सफर को करीब से जानते हैं। तो दोस्तों, अगले कुछ मिनटों के लिए हर पल रंग बदलती दुनिया से नाता तोड़कर जज्बातों से लबरेज निरमा की कहानी से जुड़ जाइए। वो कहानी जिसकी शुरुआत हुई थी एक सरकारी नौकरी वाले गुजराती की कारोबारी सोच से। दोस्तों, आज के दिन भारतीय मार्केट में टॉप पर चल रही कंपनियों के इतिहास पर नजर डालें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में करीब 60% कंपनियां ऐसी हैं जो किसी एक आदमी के आईडिया पर शुरू हुई। वो आदमी कई मुश्किलों के बावजूद अपनी जिद पर अड़ा रहा और आज उसकी सोच से सिर्फ भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को फायदा हो रहा है। एक ऐसी ही सोच थी 1944 में गुजरात के अहमदाबाद में जन्मे करसन भाई पटेल की। करसन भाई पेशे से गुजरात के एक सरकारी महकमे में केमिस्ट थे। केमिस्ट्री में बीएससी कर चुके करसन भाई नौकरी के बाद घर पर भी अपना ज्यादातर वक्त केमिकल्स के साथ ही गुजारते थे। इस दौरान ही करसन भाई के सर पर फॉस्फेट फ्री सस्ता वॉशिंग पाउडर बनाने की धुन सवार हो गई। इस धुन का ही नतीजा रहा कि साल 1969 में एक दिन घर के अहाते में करसन भाई को फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट का सफल फार्मूला मिल ही गया। करसन भाई को अपने इस पीले रंग के डिटर्जेंट पाउडर पर इतना भरोसा था कि उन्होंने इसके प्रोडक्शन का मन बना लिया। इस तरह आज 14,000 लोगों को रोजगार देने वाली निरमा का उत्पादन 1969 में सिर्फ एक आदमी की जिद के कारण शुरू हुआ। जब पाउडर बेचने के लिए करसन भाई ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, फॉर्मूला मिलने के बाद करसन भाई घर के 10x10 के कमरे में पाउडर तो बनाने लगे, मगर करसन भाई के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इस पाउडर को ग्राहकों तक कैसे पहुंचाया जाए। कुछ वक्त गुजरने के बाद इस परेशानी का हल करसन भाई की जिद से निकला। शुरुआत में करसन भाई ऑफिस जाते वक्त घर घर जाकर ये पाउडर बेचा करते थे। फिर उन्होंने ऑफिस से घर आने के बाद साइकिल पर चलकर अपने पाउडर को शहर के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचाना शुरू किया। शुरू शुरू में करसन भाई पूरे 15 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद भी सिर्फ 15-20 पैकेट पाउडर ही बेच पाते थे। इतने खराब रिस्पॉन्स के बावजूद करसन भाई ने हार नहीं मानी और अपने पाउडर की सेल बढ़ाने के लिए नई नई तरकीबें बनाई। करसन भाई पाउडर खरीदने वाले ग्राहक के सामने शर्त रखते कि अगर कपड़े साफ नहीं हुए तो पैसे वापस। साथ ही उनके पाउडर की कीमत प्रति किलो बस 3 रुपए थी, जबकि बाजार में सबसे सस्ता डिटर्जेंट पाउडर भी 13 रुपए किलो था। ऐसे में ग्राहकों ने करसन भाई के पाउडर को आजमाना शुरू किया। फिर क्या था, करसन भाई के पाउडर की मांग उनके शहर रूपुर में बढ़ गई। नौकरी और पाउडर बेचने के बाद चली करीब 3 साल की गुत्थम गुत्था के बाद करसन भाई ने अपने पाउडर को देश भर में पहुंचाने के लिए कंपनी की शुरुआत करने की ठानी और एक आरामदेह सरकारी नौकरी छोड़ दी। करसन भाई ने जब कंपनी खोलने का विचार बनाया तो इसका सिर्फ एक ही ब्रांड नेम उनके दिमाग में आया और वो नाम था निरमा। आज की तारीख में ये बस एक डिटर्जेंट का नाम है, मगर जब निरमा की शुरुआत हुई तो ये एक पिता के जज्बातों का समंदर समेटे हुए था। जब एक बच्ची की मौत ने जन्म दिया निरमा को। 80 का वो दशक जब भारत में बेटियों को जिंदा दफनाया जा रहा था या कोख में मारा जा रहा था, तब एक पिता ने अपने सपने को दुनिया से जा चुकी बेटी का नाम दिया। वो पिता थे करसन भाई और वो नाम था निरमा। करसन भाई अपनी बेटी निरुपमा को प्यार से निरमा कहकर पुकारते थे। देवी का रूप समेटे उस बच्ची से करसन भाई को बहुत उम्मीदें थी। करसन भाई की चाहत थी कि निरमा पढ़ लिखकर उनका नाम रोशन करे, मगर कुदरत को यह मंजूर नहीं था। एक सड़क हादसे में निरमा ने छोटी सी उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया।
इस हादसे ने करसन भाई को अंदर से तोड़ दिया था। यही वजह रही कि अपनी बेटी और सपनों की मौत की टीस सीने में लिए जी रहे करसन भाई ने डिटर्जेंट का नाम निर्मा रखा। इस तरह एक बेटी को दूसरा जन्म मिला और भारतीय ग्राहकों को अपने घर के सदस्य जैसा लगने वाला डिटर्जेंट निर्मा मिला। जब बाजार से गायब हो गया निर्मा। एक लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद 1973 में करसन भाई ने निर्मा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत की और पैकेट पर निरुपमा की झूमती हुई सुंदर सी तस्वीर को जगह दी। सेल्समैनों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बाजार में तगड़े कंपटीशन और नए होने के कारण निर्मा की बिक्री नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ दुकानदार उधारी पर माल उठाते और जब पैसे देने का समय आता तो आनाकानी करते। ऐसे में निर्मा को घाटा होने लगा। करसन भाई समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। उस दौरान ऐसा लगा कि निर्मा हार जाएगी, लेकिन परेशानियों से जमकर लड़ने वाले करसन भाई ने हार नहीं मानी और तय किया कि अब निर्मा के लिए एक टीवी विज्ञापन बनाएंगे। वो एड दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया और सिंपल रखा गया। इसलिए मॉडल संगीता बिजलानी के कपड़ों को स्टाइलिश रखने की जगह चमकदार रखा गया, क्योंकि उस दौर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही होते थे। इसलिए सफेद रंग की चमक ने पाउडर की क्वालिटी के सबूत दिए और फिर बाकी कमाल किया भारतीय एडवर्टाइजमेंट इतिहास के सबसे मशहूर जिंगल सीमा रेखा जया और सुषमा सबकी पसंद निर्मा ने। इस दौरान करसन भाई ने एक ऐसा पैतरा फेंका जिसने भारत में वॉशिंग पाउडर के कंपटीशन को लगभग एक तरफा कर दिया। दरअसल हुआ ये कि जिस दौरान निर्मा का एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जोरों पर था, उस दौरान करसन भाई ने चालाकी दिखाते हुए बाजार में मौजूद 90% स्टॉक वापस ले लिए। एक महीने तक ग्राहक केवल निर्मा को टीवी विज्ञापन में ही देख पाए, क्योंकि ग्राहक जब बाजार से निर्मा खरीदने जाते तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता। बाद में खुदरा विक्रेताओं ने जब करसन भाई से अनुरोध किया तब एक महीने बाद बाजार में निर्मा फिर से आया। इस देरी से निर्मा को ये फायदा हुआ कि सर्फ की मांग बढ़ने के कारण बाजार में आते ही निर्मा ने बड़े अंतर से डिटर्जेंट के अन्य ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया। निर्मा की ये कामयाबी अगले कुछ सालों तक बरकरार रही। उस दौरान आलम ये था कि एक दशक तक कोई अन्य ब्रांड निर्मा के आसपास भी नहीं भटक सका। इस तरह एक समय समाप्त होती लग रही निर्मा कंपनी भारतीय बाजार की शान बन गई। निर्मा ही क्यों बना सबकी पसंद? दोस्तों, इस सवाल के यूं तो बहुत से टेक्निकल और लॉजिकल जवाब हैं, मगर सबसे सटीक जवाब है निर्मा की सादगी। निर्मा का ऐड हो या उसका नाम, भारतीय मिडिल क्लास वर्ग ने इस कंपनी से एक अलग ही जुड़ाव महसूस किया। इसके अलावा निर्मा के मशहूर होने की सबसे बड़ी वजह थी इसका रेट। जैसा हमने पहले भी बताया कि निर्मा उस दौरान बाजार में मौजूद अन्य ब्रांड्स की तुलना में काफी सस्ता था, जबकि उस दौरान सर्फ सेगमेंट में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के महंगे ब्रांड्स का राज हुआ करता था। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की मार्केट में मोनोपोली होने के बावजूद जब निर्मा ने तरक्की शुरू की तो वो सबको पीछे छोड़ता चला गया। आलम यह था कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जैसे बड़े ग्रुप को भी निर्मा से आगे निकलने के लिए एक खास प्रोग्राम स्टिंग लाना पड़ा। इस प्रोग्राम की वजह से ही व्हील डिटर्जेंट भारतीय मार्केट को मिला, मगर निर्मा तब तक बुलंदियों की नई इबारत लिख चुका था, वो इबारत जो आज भी भारतीय बाजार में मील का पत्थर है। तो दोस्तों, अब अंत में जानते हैं निर्मा की वर्तमान स्थिति और बाजार में स्थान। दोस्तों, निर्मा कंपनी जब कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रही थी तो करसन भाई ने उसके विस्तार में देरी नहीं की। यही वजह है कि आज भारत में निर्मा के 400 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और 10 लाख के करीब रिटेलर हैं। साथ ही 1994 में करसन भाई ने निर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना भी की। निर्मा ने अपने इस करिश्माई सफर में यूं तो बहुत से रिकॉर्ड तोड़े और नए कीर्तिमान रचे, मगर साल 2004 में निर्मा ने जो किया वो शायद ही कोई डिटर्जेंट ब्रांड दोहरा पाए। हुआ ये कि साल 2000 तक डिटर्जेंट सेगमेंट के 30% शेयर अपने नाम कर चुकी निर्मा ने 2004 में 8 लाख टन डिटर्जेंट सेल किया और विश्व में सिंगल ब्रांड निर्मा सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट में शामिल हुआ। हालांकि इतने कामयाब सफर के बावजूद आज निर्मा की बाजार में स्थिति कुछ खास नहीं है, जिसकी वजह रही निर्मा का वक्त के साथ न बदलना। निर्मा ने बदलते वक्त के साथ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में बदलाव नहीं किया। जहां एक तरफा बाजार में निर्मा का कंपटीशन बढ़ रहा था, वहीं निर्मा के नए प्रोडक्ट फ्लॉप हो रहे थे। हालिया सालों में निर्मा ने वापसी करने की कोशिश की है और ऋतिक रोशन जैसे सेलिब्रिटी फेस के साथ निर्मा भी मार्केट में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी भारतीय बाजार का हेरिटेज ब्रांड कही जाने वाली निर्मा की पूरी कहानी। निर्मा पर आधारित ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे भारतीय मार्केट से जुड़ी अन्य रोचक कहानियों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।